नीमच में 7 फरवरी को हुई फायरिंग की घटना के बाद आज उज्जैन रेंज के आईजी संतोष कुमार से नीमच आए। समाजसेवी अशोक अरोड़ा पर हुए प्राणघातक हमले और उसके बाद हुई क्रॉस फायरिंग को लेकर आईजी संतोष कुमार सिंह ने नीमच पुलिस द्वारा की गई तकनीकी और लिखित कार्यवाही का बारीकी से अवलोकन किया। आईजी संतोष कुमार सिंह ने इसके बाद पत्रकारों से भी चर्चा की। उन्होंने मीडिया को बताया कि पुलिस द्वारा जिस प्रकार से विवेचना की गई है और यह जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उस आधार पर कहा जा सकता है कि इस घटना से जुड़े हुए बाकी लोग भी जल्द ही में आएंगे। इस घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है उस पर पुलिस प्रभावी कार्यवाही करेगी। आईजी संतोष कुमार सिंह से आज एसपी कार्यालय पर कलेक्टर दिनेश जैन, एडीएम नेहा मीणा और नारकोटिक्स उपायुक्त संजय मीणा ने भी मुलाकात की। सुनिए इस मौके पर आईजी संतोष कुमार सिंह ने क्या खास बात कही। मैं आज नीमच आया था और यहाँ पे बाकी सारी चीजें देखने के अलावा अभी 4 तारीख में घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक प्राणघातक हमले का अटेम्प्ट किया गया था। उसमें जो अपराधी था उसमें से एक व्यक्ति मौके पर मारा भी गया था क्रॉस फायरिंग में। तो उस घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने अभी जो है 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसके साथ साथ कुछ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उनके कार्रवाई की जो उसके लिए टीमें लगी हुई हैं। मैंने अभी टेक्निकली जो पुलिस ने पूरा काम किया है और जो सारी लिखा पढ़ी की है कैसे हमारी टीमें काम कर रही हैं सारी चीज़ों को देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो शामिल अन्य लोग हैं उनको भी बहुत जल्द हम गिरफ्तार करेंगे और उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा सर कोई विशेष नॉर्मली सामान्य कार्य अन्य जो हमारे होते हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जो काम है कई तरह के जो रहते हैं उसके अलावा अपने लोगों से जो हमारे अधीनस्थ अधिकारीगण हैं जो काम करते हैं थाना प्रभारी हैं या कोई अन्य अधिकारी हैं उनसे जो बातचीत की है उनकी कुछ बातें कुछ अपनी उनकी भी बातें रहती हैं जो कहना चाहते हैं कुछ उनकी समस्याएँ रहती हैं उसको भी सुना। देखिए आपराधिक घटना है जिसको करने का प्रयास किया गया और परिणाम आपको पता ही है। तो उसमें जैसा आपने कहा कि अभी 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो आपको पता ही है कि इसमें जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी अगले बहुत जल्द कुछ एक दिनों में ही हम जितने भी अपराधी इन्वॉल्व हैं जैसा मैंने पहले कहा उनको हम पकड़ेंगे और फिर जो लोग भी इसमें शामिल हैं चाहे वो कोई भी हो उन पर बड़ी प्रभावी और अच्छी कार्रवाई की जाएगी। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की ये रिपोर्ट।